अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर मॉडल स्कूल, क्लास प्ले ग्रुप, सब्जेक्ट मैथ्स। क्लास प्ले ग्रुप, सब्जेक्ट मैथ्स, पेज नंबर है बुक पे हमारे पास 2020। ठीक है, यहाँ पे अप एंड डाउन दिया गया है। अप का मतलब है ऊपर और डाउन मतलब नीचे। ठीक है, अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट को हमने बताना है। ये देखें, दरख्त है, दरख्त पर शेर भी बैठा हुआ है, ये देखें आप। और इसी तरह ये देखें, बंदर जो है टहनी सी बनी हुई है दरख्त की, उसके साथ लटक रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये दूसरा बंदर जो है दरख्त की टहनी के साथ नीचे की तरफ लटक रहा है। क्लाइंबिंग अप, ये बच्चा देखें स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है अप ऊपर की तरफ, और फिर ये स्लाइडिंग डाउन, सीढ़ियों से बच्चा नीचे की तरफ डाउन आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, अब पहले सबसे पहले बच्चों को अप का मतलब बताएं। अप का मतलब है ऊपर और डाउन मतलब नीचे। क्वेश्चन है, टिक द वन डेट इज अप, टिक द वन डेट इज अप। किस पे टिक लगाना है? जो ऊपर की तरफ है। तो देखिए, ये लाइन सा बना हुआ है, दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है, इस पे क्या करना है? टिक लगाना है। ठीक है, हैंगिंग अप, बंदर किसके साथ ऊपर की तरफ लटक रहा है? ट्री के साथ, दरख्त की टहनी के साथ, इस पे क्या लगाएंगे? टिक। ठीक है, फिर इसी तरह बच्चा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लाइंबिंग अप, ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर क्या लगाएंगे? टिक। ठीक है, अब ये है हैंगिंग डाउन। डाउन मैंने आपको बताया है नीचे को कहते हैं, तो नीचे की तरफ क्या लगाएंगे? क्रॉस का साइन। ठीक है, स्लाइडिंग डाउन, बच्चा स्लाइड से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पर क्या लगाएंगे? क्रॉस का साइन। ठीक है, इस तरीके से आपने बच्चों को ये काम बुक पे करवाना है। पहले अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट को वाजिया करना है बच्चों के सामने। बोर्ड पे आए, बोर्ड पे देखें, क्लास प्ले ग्रुप, सब्जेक्ट मैथ्स, पेज नंबर 20, टिक दे वन डेट इज अप। टिक लगाना है जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये देखिए, बंदर ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? लटक रहा है, इस पे क्या लगाना है? टिक, हैंगिंग अप पे टिक। ठीक है, क्रॉस द वन डेट इज डाउन, जो नीचे की तरफ है बंदर, उस पे क्या करना है? क्रॉस का साइन लगाना है। ये देखिए आप, वाजिया हो गया। इस तरीके से आपने बच्चों को पहले समझाना है, उसके बाद ये काम अच्छे तरीके से करवाना है।